कि 100 में से 65 किसान है लेकिन बजट मिलता है उसको 2.36 मतलब 2.5% भी उसको बजट नहीं दिया जाता। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी देश के अंदर पालन नहीं किया जाता। जो रेट लगाया जाता है मतलब जिस आधार पर कर्मचारी का वेतन तय होता है वो होता है एक कमाएगा पूरा परिवार खाएगा, लेकिन किसान जो है उसका पूरा परिवार लगता है लेकिन उसके लिए वो मापदंड आज तक लगाने का काम आजादी के बाद में नहीं हुआ। मतलब मूल्य और दाम तय करने की बात कि वो आपको लागत से 1.5 गुना मूल्य देंगे आज तक नहीं दिया, लेकिन आज जबरदस्ती जब किसानों का एक इतना बड़ा मंच बना, इतना बड़ा 3 लाख किसान जब दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए किसान मुक्ति संसद की, तो झक मार करके बोलना पड़ा लेकिन उसके साथ में उन्होंने बजट का आवंटन नहीं किया, उसका भी हिसाब किताब हम लोगों ने निकाला है। अगर बजट का इंतजाम अगर वो करते तो जिन फसलों की बात वो कह रहे हैं उसके लिए भी 34,000 करोड़ रुपया देना चाहिए था, बजट का आवंटन करना चाहिए था केवल एक सीजन के लिए, लेकिन वो भी करने का काम उन्होंने नहीं किया। और किसानों के साथ क्या धोखाधड़ी की, उन्होंने कहा कि मैंने किसानों की क्रांति कर दी, फसल बीमा लेके आया, फसल बीमा के नाम पर 24,000 करोड़ रुपया किसानों से प्रीमियम इकट्ठा किया, वापस किसानों को 8,000 करोड़ रुपए दिया, बाकी हजारों करोड़ों के साथ जब लूटपाट होगी और जब धोखाधड़ी करने का काम किया जाएगा तो आत्महत्या कर रहा है। मैं चाहता हूं यहां पर एक एक किसान ये इस बात का संकल्प ले कि हम अपने गांव में और उस उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे भी सबसे कम आत्महत्याओं का आंकड़ा देश के अंदर रहा है, लेकिन एक भी किसानों की आत्महत्या ना हो ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। किसान अगर वो जान देने के लिए तैयार है तो वो लड़ने का काम करेगा, आर पार का संघर्ष करेगा। मैं जहां से मुल्ताई से आता हूं वहां पर 24 साथी किसान शहीद हुए थे 1998 में 12 जनवरी को, और जहां से ये यात्रा हमने शुरू की थी बहुत सारे साथी यहां पर दिखलाई दे रहे हैं किसान मुक्ति यात्रा के, मंदसौर के अंदर भी 6 साथी हमारे शहीद हुए। बहुत लंबा इतिहास है हिंदुस्तान के जन आंदोलनों में, 80,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत के ऊपर ये आंदोलन हमारा खड़ा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं साथियों ये आपसे अपील करना चाहता हूं, किसान जब इकट्ठा हो रहा है तो नतीजे भी निकल रहे हैं। राजस्थान के अंदर अभी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 3 सीटों पे, तीनों सीटों पे भाजपा को हराने का काम राजस्थान के किसानों ने किया, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये मैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से नहीं बोल रहा क्योंकि हम लोग चुनाव की राजनीति नहीं करते, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चुनाव हो रहे हैं, गोरखपुर के अंदर जो चुनाव हो रहा है और फूलपुर में चुनाव हो रहा है, किसानों को लग करके मोदी और योगी की जोड़ी को हराने का काम वहां पर करना चाहिए, पूरी ताकत लगाने का काम करना चाहिए। मजदूर और किसान की परिभाषा में भारतीय समन्वय ने जो व्यापकता लाई है जिसकी बात मैं अधोरेखित करना चाहता हूं, उनमें मजदूर भी है जिनके हाथ मिट्टी में है, उनमें मछुआरे भी है जो भी प्रकृति पर जीते हैं, उनमें वनोपज पर जीने वाले आदिवासी भी हैं और हमारे पशुपालक भी हैं। और इन तमाम लोगों की बात लेकर जब ये समन्वय समिति एक व्यापक अर्थ से किसानों के कर्ज मुक्ति की बात करती है, हमारा ये विनम्रता से कहना है पर अभिमान से कहना है कि हम खुद के लिए भी कर्ज मुक्ति चाहते हैं। क्यों क्यों? इसलिए नहीं कि नीरव मोदी जैसे हमने कई बैंकों से 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए, इसलिए कि आप किसानों का हम सब खेती से ही निकली हुई या प्रकृति से निकली हुई उपज पर जीने वालों के ऊपर कर्ज है, बोझ है,
जिसको हम खाली करना चाहते हैं। और इसीलिए सही तो कर्जा है समाज पर, कर्जा है हर खाने वाले पर, जो करोड़ों की तादाद में है, 125 करोड़ है, और वो सब किसानों के प्रति कर्ज भुगत रहे हैं। आज भी आपसे लिया है सब कुछ, जीवन और जिंदगी, और उसको आगे अगर चलाना है तो ये बजट 2018 सरकार की कृषि नीतियां, सरकार की जल जंगल जमीन संबंधी नीतियां कोई काम नहीं देने वाली है। बजट 2018 इसका प्रतीक है, इसका दर्शन है। बजट 2018 में बहुत नाम लिया कृषि का, कृषकों का, मजदूरों का भी, लेकिन सभी योजनाओं को तो नाम अधिकांश प्रधानमंत्री का ही लगेगा। और बात तो यही है कि कृषि मंत्रालय को पूरे बजट के आर्थिक हिसाब का, लक्ष्य का, आवंटन का मात्र 2.5% दिया गया है। 2.5 भी पूरा नहीं, 2.39%। ये बात ध्यान में रखिए, एक लफ्ज नहीं निकाला जेटली जी ने किसानों की आत्महत्याओं के बारे में, जो 3.5 लाख से ऊपर पहुंची है, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, लेकिन उन किसानों की आत्महत्याएं, मजदूरों की भी आत्महत्याएं, मध्य प्रदेश में हमारे साथी जसवंत सिंह जी, जो अखिल भारतीय किसान सभा के आनंद मौला जी के साथी हैं, उन्होंने आरटीआई में निकली हुई जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं मजदूरों की हुई है। उसका तो हिसाब नहीं, गिनती नहीं, उन्हें तो कीड़े मकोड़े समझा जाता है। नीति आयोग के साथ तय किया जाएगा, और एक एक शब्द हम सुन रहे थे जेटली जी का, उन्होंने कहा 2020 तक होगा। जैसा अभी भाई साहब ने कहा, आनंद मौला जी ने कहा कि 2022 कहने का इनको अधिकार नहीं है क्या? क्या आपने 2022 तक का वोट दिया है मोदी सरकार को? पहले तो 31% वोट लेकर सत्ता में आए हैं, 70% लोग तो उनके साथ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने आश्वासन दिए थे घोषणा पत्रों में, उसमें स्वामीनाथन आयोग की बात की थी। स्वामीनाथन जी के बारे में और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन कम से कम आयोग ने ये कहा कि 1.5 गुना लागत का दाम दीजिए। इन्होंने फिर से कहा 1.5 गुना लागत का दाम दे देंगे। ये बात किसानों को कभी भी नहीं फंसा सकती। अब झूठ फरेब का पर्दाफाश इस देश में हो चुका है। गुजरात के किसानों ने भी अब आगे बढ़ना शुरू किया है उस मंदिर तक जहाँ से इनको हटाना है, गिराना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी ये नारे और ये भाव आज देश के कोने कोने में फैले। तो यही उत्तर प्रदेश है जहाँ सबसे पहले जमींदारी प्रथा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन कानून रखा गया था। हम तो भूमिधर हो गए, लेकिन आज भूमिधर होते होते हम कहां पहुंच गए? आज हम छोटी जोत के किसान हो गए, 2-4-5 बीघा और 1 एकड़ का किसान, मैं उसे खेत मजदूर मानता हूं। ये बात स्वामीनाथन कमीशन में कहते कहते लड़ते लड़ते बड़ी मुश्किल से इस बात को स्वीकार किया गया, और तब जो एक नया परिभाषा लिखा गया भारत के किसानों की, जिसके अंदर सिर्फ भूमिधर ही किसान नहीं थे, खेत मजदूरों को भी किसान माना गया, पशुधन वालों को भी किसान माना गया, मत्स्य पालकों को भी किसान माना गया, मधुमक्खी पालकों को भी किसान माना गया, सबको किसान मान करके हमने एक नई धारा का रास्ता बनाया। आज स्वामीनाथन कमीशन की उस, मैं कह रहा था कि 5 गुना दाम दो, लेकिन रिजर्व बैंक के चेयरमैन, नाबार्ड के चेयरमैन, इन तमाम लोगों ने आपत्ति की। 1.5 पर मैंने कहा कि चलो कहीं हो रहा है फैसला तो 1.5 ही पर मान लिया जाए। हम बहुत बड़ी संख्या में हैं आज भी, 73% लोग गांव में रहते हैं, सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हैं। इसलिए आलू हमारा 50 पैसे किलो बिके, शहर में 20 रुपए किलो बिके, और उसके बाद हमारे लोग तो आलू खा के जीते हैं,
लेकिन उन जो आलू नहीं मिलता तो उनको कोई भुखमरी का भत्ता नहीं मिलता, और जो आलू नहीं खाते उन्हें आलू के दाम बढ़ जाने पर महंगाई भत्ता मिलता है। बैंकों में जमा है, खातों में जमा है, वो आप एनपीए कह देते हो, माफ कर देते हो। हमारा तो कुल 11,44,000 करोड़ रुपया देश के किसानों का है, बांट दो इसको, माफ कर दो, देश का किसान दोबारा कोई आपसे मांग नहीं करेगा, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। आप नहीं कर रहे हो, किसानों को मजबूर कर रहे हो आत्महत्या करने पर, छोड़ दो। ठीक कहा हमारे साथी ने कि हमारा 10 साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना के हिसाब से दे दो, जैसा आप कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस 2 साल 5 साल 7 साल का कह रहे हो, देते हो पिछड़ा बकाया, आप हमको दे दो। देश का किसान इतना आत्मस्वाभिमानी है कि तुम्हारे दरवाजे पर थूकने भी नहीं जाएगा, नमन की बात को छोड़। मेरा कर्जा माफ करो, मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, और हर किसान कहता है कि मुझे 1.5 गुना लागत का दाम दो, आगे मेरे ऊपर कोई कर्जा ना। इसको लेकर हमने 20-21 नवंबर को दिल्ली में लाखों किसान जब आए थे, उसमें 2 बिल देश के सामने, देश के सामने 2 बिल पेश हुए थे, उसमें कहा गया था पहला सबका किसान को मुक्त किया जाए कर्जे से, और दूसरा जो है लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाए। अब हर स्टेट के कैपिटल के अंदर यह मीटिंग हो रही है, अभी देहरादून में हुई, 3 दिन पहले हैदराबाद में हुई, जयपुर में हुई, मतलब हर रोज कहीं ना कहीं हो रही है ये मीटिंग। और इसके बाद में केवल एक ही चीज है कि सरकार को दबाने का काम है, किसान मुट्ठी बंद हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, उसका नतीजा आप देख लीजिए। इसी सरकार ने 15 फरवरी 2015 की बात है, इन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम 1.5 गुना लागत का दाम नहीं दे सकते, और बजट में उसी सरकार ने उल्टी मारते हुए पलटी मारते हुए अब कहा है हाँ हम दे देंगे, पर उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, जो असल रेट था हमारा वो देने को तैयार नहीं है, मनमोहन सिंह वाला रेट देने को मोदी जी तैयार है, जुमले की राजनीति फिर से कर रहे हैं। हमारा ये है आपको 1.5 गुना स्वामीनाथन का रेट देना ही पड़ेगा, या दोगे या जाओगे, इसलिए पूरा किसान से इकट्ठा है। अब वो क्लियर हो गया आपकी बात जी। सर एक चीज और पूछनी है अभी आपसे, अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी, तो वहाँ पे आप किसानों के साथ काम कर रहे हैं, अब उनके हाल क्या हैं, कैसे क्या उनका जो फसल का नुकसान हुआ है, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी जल्दी सरकार भरपाई कर सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने उधर मध्य प्रदेश में भी कहा हम जल्दी करेंगे, तो कैसा है? देखिए अपने यहाँ 2015 में भी ओलावृष्टि हुई थी फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि 1,61,00,000 किसानों को मुआवजा का वो पात्र है, उनको मुआवजा देना पड़ेगा, एक को नहीं मिला अभी तक। इसलिए किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, ये मुआवजा देना लेना सब ये केवल जुमलों की राजनीति है, हम लोगों को मजबूती से करना है, किसान को खड़ा करना है, खेती को फिर से जिंदा करना है।